ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कौन सा पाकिस्तानी गेंदबाज बचाएगा कहर, शाहिद अफरीदी ने कर दी भविष्यवाणी। टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले पाक टीम को लगा बड़ा झटका, जिसके भरोसे थी टीम, वो स्टार गेंदबाज टेस्ट शुरू होने से 5 दिन पहले ही हो गया बाहर। पाकिस्तान को अपना ही देगा ऑस्ट्रेलिया में दगा, कंगारू टीम के लिए खेलकर सारे सपनों को तोड़ देगा। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने अपनी टीम की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। अफरीदी ने इस दौरान उस गेंदबाज का नाम बताया जो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की नाक में दम कर सकता है। उनका कहना है कि इस दौरे पर उस गेंदबाज का स्पेल काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई है। ये सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है, ऐसे में दोनों टीमें अपने पॉइंट्स में इजाफा करना चाहेंगी। इस सीरीज का आगाज 14 दिसंबर को पर्थ में खेले जाने वाले पहले मैच से होगा, शाहिद अफरीदी ने कहा। शाहीन अफरीदी का स्पेल पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में बेहद इंपॉर्टेंट होगा। उनके पास दुनिया के किसी भी बल्लेबाज को परेशान करने का हुनर है। ऑस्ट्रेलियाई कंडीशंस में गेंदबाजी करना उनके लिए सीखने का अच्छा एक्सपीरियंस होगा और मेरा मानना है कि वो सीरीज में इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। हालांकि शाहिद अफरीदी ने यह माना कि पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर पर हराना आसान नहीं रहने वाला है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के शुरू होने से पहले पाकिस्तान की टीम को एक बड़ा झटका लगा है। टीम के स्पिनर अबरार अहमद का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 14 दिसंबर से शुरू होने वाली 3 मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट से बाहर होना लगभग तय माना जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 8 दिसंबर को इसकी पुष्टि की है। दाहिने पैर में कुछ दिक्कत महसूस होने के कारण वो पहला टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। उनकी चोट कितनी गंभीर है इसको लेकर अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है और पहले टेस्ट के लिए उनकी प्रेजेंस संदेह के घेरे में है, क्योंकि पाकिस्तान ऑप्शन की तलाश कर रहा है, जिस वजह से अबरार को पूरी सीरीज से बाहर होने की संभावना है। अगर अबरार इस टेस्ट मैच से बाहर होते तो पाकिस्तान के पास एक दूसरे स्पेशलिस्ट स्पिन ऑप्शन के रूप में केवल नोमान अली होंगे। वहीं आज तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है। इसके अलावा आखिरी टेस्ट मैच भी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में लगभग 3 दशक पहले जीती थी। अब इस बार भी करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल टूट सकते हैं। इस बार पाकिस्तानियों के दिल कोई कंगारू नहीं बल्कि येलो जर्सी में खेलने वाला एक पाकिस्तानी ही तोड़ेगा। आखिर कौन है वो खिलाड़ी, आइए आपको बताते हैं। पाकिस्तानी मूल के स्टार ऑस्ट्रेलियाई ओपनर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। जब उस्मान बल्लेबाजी करने आते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके पास दुनिया भर का समय है। वो अपना पूरा टाइम लेते हैं और गेंदबाजों को थका थका कर मार मार कर भूत बना देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पिछले पाकिस्तान टूर पर भी उस्मान ख्वाजा का बल्ला जमकर बोला था, उन्होंने रनों का अंबार लगाया था। पाकिस्तान के गेंदबाजों को उन्होंने पाकिस्तान में जमकर कूटा था। अब ऑस्ट्रेलिया में भी उस्मान एक बार फिर ये कारनामा दोहरा सकते हैं। आपको बता दें कि 36 साल के उस्मान ख्वाजा का जन्म इस्लामाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम तारिक ख्वाजा है जबकि उनकी माँ का नाम फौजिया तारिक है। जब वो महज 4 साल के थे तो उनका पूरा परिवार ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स शिफ्ट हो गया था। जब से वो ऑस्ट्रेलिया में ही रह रहे हैं। 2011 में जब उस्मान ने ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू किया तो वो पहले पाकिस्तान मूल के ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बने जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट किया। उस्मान ख्वाजा IPL और PSL दोनों का हिस्सा रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।